चलो अब कैपेसिटर्स इन पैरेलल देखते हैं। सो कैपेसिटर इन पैरेलल में क्या है, देखो जैसे कि अभी हमने सीरीज में लगाए थे, अब दो कैपेसिटर हम ऐसे पैरेलल में लगा देते हैं, और यहां पर हमने कनेक्शन सपोज यहां से दे दिया है, डन। ओके, ये है कैपेसिटर इन पैरेलल या सीरीज में है, ध्यान से देखो। सीरीज है, पैरेलल ही है। क्या देखना है तुम्हें, देखना क्या है कि देखो पहले सीरीज में क्या था, एक में आई जा रहा है, मतलब रेजिस्टर की बात है, अदरवाइज यहाँ पे एक में क्यू जा रहा है, दूसरे में से क्यू निकल रहा है, और वही क्यू जो पहले में से जो क्यू निकल रहा है, जो चार्ज निकल रहा है, वही दूसरे के अंदर एंटर हो रहा है, तो वो हो गया सीरीज। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारा चार्ज सेम है तो वो सीरीज हो गया। सिंपल कि पहले ये ऐसा समझो कैपेसिटर है, ओके, तो कैपेसिटर के अंदर गया, उसमें से बाहर निकला, तब जाके दूसरे में अंदर जा पाएगा ना, पहले में से बाहर ही नहीं निकलेगा तो दूसरे में से चार्ज जाएगा कहां से, तो वो सीरीज हो गया। यहां पे ऐसा नहीं है, पहले में घुसा फिर वो बाहर, पहले में से बाहर निकल के दूसरे में नहीं घुसता, यहां से क्यू आ रहा है, आधा क्यू इधर जा रहा है और आधा क्यू इधर जा रहा है, यहां से आ क्या रहा है, क्यू आ रहा है, तो थोड़ा उधर चला गया, थोड़ा इधर आ गया, वैसे हो रहा है, समझ में आया। तो ये क्या है, हमारा पैरेलल है। जब ऐसे क्यू डिवाइड हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल। जैसे हमारा हम रेजिस्टर के केस में भी सेम ऐसे ही करते थे कि ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ओके। तो जब हमारा आई डिवाइड हो जाए, जैसे यहां से आई आया और फिर हम बोल दिए दिस इज आई वन एंड दिस इज आई टू, फिर यहां से आई वन यहां पे आ गया, यहां से आई टू यहां से आ गया, वापस आके वापस कितना हो गया, आई हो गया, डन। तो सेम यही है, सेम वही केस है, डन, ओके। हाँ चलो, सो ये हो गया हमारा क्या, ये क्या हो गया हमारा पैरेलल, ओके। सो अगर ये क्यू गया है तो मान लेते हैं यहाँ क्यू वन गया और यहाँ कितना गया, क्यू टू गया, ओके। ये हमारा कैपेसिटर वन है, ये हमारा कैपेसिटर टू है, वी वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। सो करते हैं, देखो क्यू इज इक्वल टू क्यू, क्यू बट गया ना, तो क्यू इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू लिख देते हैं, क्योंकि अब तो सेम चार्ज नहीं गया है दोनों पे, पहले केस में तो दोनों में सेम चार्ज जाता था, तो हमने Q सेम ले लिया था, यहाँ पे Q सेम ले सकते नहीं, ओके, ये हमने ले लिया। अब और क्या कर सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला है C is equals to Q by V, यही फॉर्मूला है, yes sir, yes, so हमारा फॉर्मूला है C is equals to Q by V, हमें Q के फॉर्म में चाहिए, तो Q के फॉर्म में ही है, तो Q के फॉर्म में क्या बनेगा, C into V, Q के फॉर्म में C into V हो गया। अब Q के फॉर्म में C into V हो गया, so Q1 कितना हो जाएगा, तो Q1 हो जाएगा C1, और V पोटेंशियल तो देखो दोनों के लिए सेम है, देखो ये जो जा रहा है वो डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट हो रहा है, ये जो है वो भी, मतलब दोनों के लिए इनपुट में सेम पोटेंशियल आ रहा है, ओके। तो पोटेंशियल तो हम V को V ही रखते हैं, और Q2 के लिए लिख सकते हैं C2, पोटेंशियल दोनों के लिए क्या है, सेम दिख रहा है ना, डन, ओके। तो अब ये वैल्यू पुट करें यहां पर, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, CV, दैट इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1V, प्लस यहां हो जाएगा C2V, V कॉमन निकल जाएगा, CV इज इक्वल टू V इनटू C1 प्लस C2, तो V हमारा पोटेंशियल कट हो गया, सो आंसर आ गया C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर इन पैरेलल, डन, पक्का, ओके। तो ये हो गया हमारा C1 plus C2। अगेन इसमें भी देख ले कि if C1 is equals to C2, if C1 is equals to C2, therefore C is equals to क्या हो जाएगा, twice C1, ऐसा हो जाएगा, ओके। तो वैसे ही अगर तीन होते तो क्या हो जाता, three C1, four C1, तो मतलब कि C is equals to क्या हो गया, NC, ओके, NC1 और से यस से ये टोटल बोल दे C equivalent, क्या बोलते हैं C, ये दोनों में डिफरेंस करने के लिए C equivalent is equals to N into C, done। वैसे तुम यहाँ पे जो हमने सीरीज वाला निकाला ना, तो यहाँ पर भी तुम बोल सकते, यहाँ तो C1 ही लिखा है, तो C1 लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम नहीं हो जाना चाहिए, ये जैसे यहाँ, तो इसको बोलते हैं equivalent is equals to C by, done, okay।
सो ये हो गया सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन इंटू सी, सिंपल था ये आ गया देखो सी वन प्लस सी टू सी एन तक, ओके ये था हमारा कैपेसिटर इन पैरेलल, सिंपल यस पक्का यस।